आज भी संसद के दोनों सदनों का नजारा हंगामे से भरा रहा। भारी हंगामे के बाद दोपहर में ही दोनों सदनों को मजबूरन स्थगित करना पड़ा। संसद में बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने जैसे ही गोरखालैंड के मुद्दे पर संसद में बोलना शुरू किया तो टीएमसी के सांसद भड़क उठे और विरोध जताने लगे, जिस पर सदन में बीजेपी के सदस्यों ने भी जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर नेता रविशंकर प्रसाद ने लगातार गिरती आर्थिक स्थिति पर कहा कि यूपीए सरकार जब आई थी तो रुपया राहुल गांधी की उम्र का था, आज वो सोनिया गांधी की उम्र के बराबर पहुंच गया है और जल्द ही मनमोहन की उम्र तक भी पहुंच जाएगा। एक मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, गरीबों के साथ उनकी गरीबी का मजाक करना हम बंद करें। Let us all stop. I am translating it for you. Let us stop playing joke with the plight and misery of the poor. आज संसद ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया जिसमें भारतीय सेना और जनता के खिलाफ पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए गए। न्यूज़ पॉइंट।